दोस्तों चाणक्य एक महान ज्ञानी थे। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देना है। अपनी नीतियों की बदौलत आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बिठा दिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण नीतियाँ जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों भले ही चाणक्य नीति आज से 300 साल पहले लिखी गई थी, पर इसमें बताई गई ज्यादातर बातें उतनी सही बैठती हैं जितनी कि 300 साल पहले बैठती थी। दोस्तों चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य ने बहुत ही अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें लिखी हैं, जो किसी की भी जिंदगी बदलने की क्षमता रखती हैं। दोस्तों अगर आप आचार्य चाणक्य के विचारों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि व्यक्ति का जीवन में मेहनत करके धन कमाना बहुत ही जरूरी होता है। बिना मेहनत के उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। मेहनत करने से ही उसे हर चीज की प्राप्ति होती है, लेकिन व्यक्ति का मन तब उदास हो जाता है जब उसे मेहनत के मुताबिक धन की प्राप्ति नहीं हो पाती या उसके जीवन के अंदर धन रूपी अंधकार हमेशा बना रहता है। लेकिन दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे चार लोगों के बारे में जो कि जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं, अर्थात वे कम उम्र के अंदर ही करोड़पति बनने का जज्बा रखते हैं। उनकी किस्मत उनका इस प्रकार से साथ देती है कि उनके काम अपने आप ही बनने लगते हैं। हर कार्य के अंदर उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैसे तो व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए और मेहनत के अनुरूप उसे अपने जीवन में परिणाम दिखना चाहिए, लेकिन कुछ लोग तब नाराज हो जाते हैं जब उन्हें मेहनत के अनुरूप फल की प्राप्ति नहीं होती, और कुछ लोगों को तो कम मेहनत के अंदर ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से ही भाग्यवान पैदा होते हैं। ऐसे लोग अपने दम पर हर चीज को करने का जज्बा रखते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं उन ऋषियों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो इस प्रकार से जन्मजात सुख को लेकर पैदा होते हैं। और दोस्तों ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिन्हें इस राशि का होने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लोग शुरुआत से ही बहुत ही आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों ये लोग सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। इनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा होती है जिसकी वजह से सामने वाला हर कोई व्यक्ति इनकी तरफ आकर्षित होने लग जाता है। इनमें साथ जुड़ने का जज्बा रखता है जिसकी वजह से इन्हें सफलता मिल जाती है। और दोस्तों इन्हें अपने जीवन में बहुत ज्यादा शॉर्टकट प्राप्त होते हैं जिनकी वजह से ये हर काम को करते हैं और अपने काम के अंदर विजय को प्राप्त करते हैं। दोस्तों ये लोग कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमेशा जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। ये हवा के अंदर बातें नहीं करते। उनके पास कितना भी धन क्यों ना हो, ये लोगों के सामने शो ऑफ नहीं करते, जिसकी वजह से इनको अपने आप ही सफलता की प्राप्ति होती है और देखते ही देखते ये अपने जीवन के अंदर मालामाल होने लगते हैं। अब हम आपको बताते हैं वृषभ राशि के बारे में। दोस्तों वृषभ राशि के लोग जन्म से ही डॉलर साइन लेकर पैदा होते हैं। ये अपने जीवन के अंदर हर उस मुकाम तक पहुंचने का जज्बा रखते हैं, जो ये ठान लेते हैं वो ये कर दिखाते हैं। इनकी सबसे बड़ी बात ये है कि ये किसी के कहने पर कोई कार्य नहीं करते। ये अपने मन से ही किसी कार्य को करने का निर्णय लेते हैं और जो ये अपने मन के अंदर ठान लेते हैं वो सारे के सारे काम पूरे करते हैं। दोस्तों इनमें नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होती है, साथ ही साथ हर कोई व्यक्ति इनकी बात आसानी से मान लेता है, चाहे किसी व्यापार के अंदर हो या किसी अन्य चीज के अंदर हो। ये सामने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने का जज्बा रखते हैं। ये बहुत कम उम्र के अंदर ही मालामाल होने का जज्बा रखते हैं। दोस्तों अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लोग वैसे तो सामान्य दिखते हैं और इनकी चाल ढाल भी सामान्य होती है, लेकिन दोस्तों उनका दिमाग इन्हें हर क्षेत्र में अव्वल बना देता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि इनको अपनी चाहत के अनुरूप सब कुछ मिल जाता है। इनको अपनी चाहत के अनुरूप पत्नी मिलती है, इनको अपनी चाहत के अनुरूप कोई सामने वाला व्यक्ति मिल जाता है। और दोस्तों इन लोगों का दिमाग पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा तेज होता है। पढ़ाई के माध्यम से ये लोग अच्छी से अच्छी चीज हासिल कर लेते हैं। ये अपने जीवन में जो भी कार्य करने की ठानते हैं उसे पूरा करते हैं। बस इनकी एक कमजोरी होती है कि ये हर किसी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं। इनका यही विश्वास इनको विश्वासघात देता है, लेकिन अपनी राशि और कुंडली की मजबूती के कारण ये लोग उससे भी उभर जाते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम रचने की काबिलियत रखते हैं। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं सिंह राशि के बारे में।
दोस्तों सिंह राशि की किस्मत हमेशा से ही नेतृत्व करने वाली रही है और ये लोग जैसा सोचते हैं वैसा कर लेते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये अपने अंदर या अपने मामलों के अंदर किसी दूसरे की दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों इन्हें जो भी दूसरे लोग मिलते हैं वो इन्हें अच्छी बातें बताने वाले ही मिलते हैं, लेकिन ये उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी किस्मत समझ लीजिए सिकंदर होती है। ये लोग उस क्षेत्र में भी प्रगति कर लेते हैं जिसमें जाने का कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। ये उस दिशा को तय कर लेते हैं जिसे साधारण व्यक्ति तय नहीं कर पाता। उसके अंदर भी ये अपने झंडे गाड़ देते हैं। दोस्तों सिंह राशि इतनी ज्यादा प्रभावशाली होती है। दोस्तों आखिर में आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बहुत ही चतुर होते हैं। अपनी चालाकियों के कारण ये किसी भी व्यक्ति से मात नहीं खाते हैं। इस राशि वाले जातकों की आदत होती है कि वे सफेद झूठ बोल देते हैं, अर्थात जहां पानी और कीचड़ तक नहीं होता ये वहां पानी की नदियां बहा देते हैं। इनके बारे में ऐसी कहावत कही जाती है कि अर्थात बिन पानी के, अर्थात जहां पानी और कीचड़ तक नहीं होता ये वहां पानी की नदियां बहा देते हैं। इनके बारे में ऐसी कहावत कही जाती है अर्थात बिन पानी के ये लोग समुद्र बनाकर लोगों को अपने चश्मे के अंदर उतार देते हैं। इतने ज्यादा प्रभावशाली होते हैं कुंभ राशि के लोग। और बड़ी बात ये होती है कि सामने वाला इनकी हर बात को अच्छी तरह से मान लेता है, जिसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। कुंभ राशि के जातक देखने में बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम लुकिंग और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व के कारण सामने वाले को आकर्षित करने वाले माने जाते हैं। कुंभ राशि के जातकों की एक बात ये होती है कि ये लोग बड़े सपने देखने का और बड़े सपनों को पूरा करने का दोनों का ही जज्बा रखते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इस राशि के लोग कभी भी ठग कर नहीं आते और सामने वाले को ही ठग कर आ जाते हैं, लेकिन खुद कभी भी अपने जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति से मात नहीं खाते हैं और अपने जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की करते हैं। बस कुंभ राशि वाले जातकों की एक आदत खराब है कि किसी भी व्यक्ति को वो अगर अपना दिल दे बैठते हैं या फिर सामने वाले व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उस स्थिति में सामने वाला चाहे किसी भी राशि का क्यों ना हो वो अपने आप ही उसके सामने फेल हो जाते हैं, फिर इनके काम बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए अगर कुंभ राशि वाले जातक अपने इस कमजोरी से बच जाते हैं तो समझ लीजिए हर क्षेत्र के अंदर ये झंडे गाड़ने का काम करते हैं, हर क्षेत्र के अंदर अपनी पहचान बनाने का जज्बा रखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।